रज यही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह सांस्कृतिक महोत्सव है। और इसी सांस्कृतिक महोत्सव की 22 सीढ़ियों की चर्चा में कर रहा था कि भगवान जगन्नाथ जब पंडित विजय के साथ पैदल चल करके जब अपने भक्तों से मिलने के लिए आएंगे तो वे अलग अलग 22 मनुष्य की कर्मेंद्रियां, मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, मनुष्य के दोष और मनुष्य के गुणों को एक तरह से परिमार्जित करते हुए अपनी रथ यात्रा पर निकलेंगे और अपने रथ नंदीघोष पर आरूढ़ होंगे। आपने सबसे पहले देखा होगा हनुमान जी को, यहां पर बहुत ही सुंदर कथा है जिसके अंदर हनुमान जी यहां वेणी हनुमान के रूप में रखे गए हैं। समुद्र बार बार कोशिश करता है कि वह भगवान के चरण कमलों का संस्पर्श करे, लेकिन हनुमान जी उससे रक्षा करते हैं, इसीलिए यहां पर उन्हें वेणी हनुमान के रूप में देखते हैं। संसार की यह पहली अनोखी व्यवस्था है उड़ीसा प्रदेश की, जहां के केंद्र में, पूरी व्यवस्था के केंद्र में जगन्नाथ है। यहां के गृह देवता, ग्राम्य देवता, प्रांत देवता और हर व्यक्ति के देवता, इष्ट देवता के रूप में जगन्नाथ जी यहां पर विराजमान है। भगवान जगन्नाथ विश्व संस्कृति के केंद्र हैं। संसार की तमाम सभ्यताएं आकर मिल जाती हैं महाप्रभु जगन्नाथ की इस संस्कृति में, और वह महाप्रसाद पाती है एकता, भाईचारे, शांति और मैत्री का। यह रथ नंदीघोष रथ, हमारे मित्रों ने आपको जानकारी दी, इसके ऊपर जो लगे हुए परिधान पीले और लाल रंग, एक तरफ लाल रंग धार्मिकता का प्रतीक तो दूसरी तरफ ज्ञान के प्रतीक के रूप में भगवान जगन्नाथ का यह रथ नंदीघोष प्रतीक्षा रथ है भगवान जगन्नाथ के शुभागमन का, कि वे आए रथारूढ़ हों और अपने दशावतार यात्रा पर निकले। मित्रों, हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार है, यह नंदीघोष रथ, इसके गेट कीपर के रूप में जय और विजय, इसके चैरियट हैं दारुक और इसके रक्षक है गरुण, और इसमें लगे हुए रस्सी का नाम है शंखचूर। यहां भगवान जगन्नाथ जब अपने दशा अवतार यात्रा पर निकलते हैं, कहने के लिए तो 3 किलोमीटर की यात्रा होती है, लेकिन यह 10 अवतारों की यात्रा है। और इसीलिए आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है, भारतीय संस्कृति के प्रणेताओं का मानना है कि यह संस्कृति बड़ी ही अनोखी संस्कृति है। देखिए, सभी धर्म, सभी संप्रदाय आकर मिल गए हैं इस पावन विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के क्रम में। कैसी अनोखी यह छटा है, भगवान जगन्नाथ की कैसी लीला अपने अलग अलग रूपों में, लेकिन यह पूरी धाम शंख की आकृति का। भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जितनी भी यहां की सड़कें हैं, गलियां हैं, सभी एक पंखे की तरह, सभी एक शंख की आकृति में अपने आप को सजोकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए सुबह से लेकर देर रात तक भगवान जगन्नाथ एक साधारण मानव की तरह सोकर रखते हैं। और यह सिंह द्वार हमारा मुख्य द्वार जो धर्म का प्रतीक है, और जहां पर पंडित विजय का शुभारंभ हो चुका है। भगवान जगन्नाथ आने से पहले अपने उस परंपरा का, उस पारिवारिक मर्यादा का, शाश्वत जीवन विद्युत का एक संदेश देते हैं, और सबसे पहले दर्शन जैसे पहंडी शुरू होती है। यह व्यवस्था बड़ी ही अनुपम है, और इस व्यवस्था के अंतर्गत सारी व्यवस्था भारी पहंडी के रूप में देखने को मिलती है। एक एक करके देव विग्रह आते हैं और अपने अलग अलग रथों पर विराजमान होते हैं। यहाँ का जो भी वाद्य यंत्र आप देख रहे हैं, यह सब कुछ भगवान जगन्नाथ से शुरू होता है। यहाँ का वाद्य यंत्र, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का लोक संगीत, यहाँ का लोक नृत्य और सब कुछ का उपभोग भगवान जगन्नाथ करते हैं।
56 प्रकार के भोगों का सेवन इस मर्त वैकुंठ पर भगवान जगन्नाथ करते हैं। कितनी खुशी है, कितना आनंद है भगवान जगन्नाथ के भक्तों को उनसे मिलने का। आगे का विवरण हमारे सहयोगी सरोज धन से। जय जगन्नाथ। ऑल द ग्लोरीज टू द नेम ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। 24 हाई फेस्टिवल्स एंड लिव इन द रिलीजियस ईयर और द कैलेंडर ईयर एट द टेम्पल एट पुरी। एट दिस फेस्टिवल, दिस इज द पहांडिया थ्री सुदर्शन, एंड ऑल दिस फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड मोस्टली विद द मेमोरेबल इवेंट in the life of Lord Rama and Lord Krishna. Lord Jagannatha is viewed as none other than Lord Rama and Lord Krishna. All the incarnations of Lord Vishnu are said to rise from and return to the same source, that is the primal divinity, Lord Jagannatha himself. And this belief says Lord Jagannatha is no avatar, and he is considered to be no avatara or incarnation, because he is avatari himself, the origin and source of all avataras. This is the group of the gong beaters. They mostly come from a village called Bhatimunda, which is in the Cuttack district. This is the view of the procession, how it gets to the main gate or the lion's gate or the eastern gate to be called in exact words. Puri, as the abode of Lord Jagannatha, is proclaimed to be the Dasa Avatar Kshetra, or the holy place of 10 incarnations of Lord Vishnu. While all other gods are confined to the Puranas, Lord Jagannatha lives in our society like anyone among us, and the entire worship is humanized. He fills the summer, he fills the winter, and he takes the food like us, and he has a lifestyle like human beings. Some of the dancers there, they are moving. This is a dance, it can't be called the Gotipur dance, because the person who is dancing is much older, because Gotipur dance is held or is done by the young boys dressed like girls, and those who are below 15 or 16 years of age. And they used to be the servitors called the Gana Seveka and the Mahari Seva, Gana Seva and the Vinakar Seva, the musicians. And now all these services are taken out of the temple. And this is the way the Pahandi is being done. And Lord Sudarsana is coming out of the main gate or the eastern gate. The fanning is done by certain members from certain sects, and as a matter of the protocol, Sri Sudarsana comes first, and Sri Sudarsana means the good view or the good audience, and he attends the sides of the hood to be kept on the pinnacle of the temple. And this is how the procession or the Pahandi procession moves. And this is how they move all around the chariot. And leading in the procession is a person dressed and dressed exactly like Lord Hanuman. In fact, he comes from a monastery in the district of Jagatpur, very close to the port town of Puri, at the port town of Paradip. And that monastery is dedicated to Lord Hanuman. And most of these monasteries or the ashramas located in the state of Odisha, they have a connection with the temple at Puri. Some have direct connection and some have indirect connection. And this is how Lord Sudarsana is taking a round of the chariot, and after that he will alight onto the chariot there. And while the Sudarsana comes, he is also decked with the crown called the Tahiya. And this Tahiya
is very different from the other tahiyyat that law.